वेलकम टू माय चैनल। मैं दिव्या आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आटे का हलवा। जी हाँ दोस्तों, आटे का हलवा सबके घर में बनता है और ये खाने में बेहद टेस्टी और बहुत ही शानदार होता है, स्वादिष्ट होता है दोस्तों। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आटे का हलवा किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपनी कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें बहुत कम सामान लगता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आटा लगेगा, देसी घी लगेगा और चीनी लगेगी। मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको आटे का हलवा बनाना बताऊँगी। देखिए मैंने अपनी कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें इतना सा देसी घी डाल दिया है और अब हम अपने आटे को कम आँच पर भून लेंगे अच्छे तरीके से। हमारा घी हो गया था और अब हम इसमें आटे को भूनते हैं। कम आंच पे ही इसको भूनिएगा, तेज आंच पे मत भूजिएगा, क्योंकि अगर तेज आंच पे भून लेंगे तो बहुत जल्दी लाल हो जाएगा लेकिन इसमें सोंधापन नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये आटा इतना भुन गया है, अब हम इसे अभी और भूनेंगे। अब ये अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, इसे हम पूरा गुलाबी होने तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसमें आप चाहें तो काजू किशमिश ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करूंगी क्योंकि हमारे घर में इसे नहीं पसंद किया जाता है। हम आपको एकदम साधारण तरीके से आटे का हलवा बनाना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये आटा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे इतनी सी चीनी, देखिए, और एक गिलास पानी मैंने लिया है। अब हम इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, थोड़ा हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो हमने थोड़ा मीठा ज़्यादा लिया है चीनी। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा चीनी कम लग रही, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसे तुरंत चलाएंगे। अगर हम इसे तुरंत नहीं चलाएंगे, एक गिलास से थोड़ा कम पानी मैंने डाला है, मैंने जितना दिखाया था उससे थोड़ा कम डाला है। अब हम इसको बराबर चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बराबर से चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और आपका हलवा फिर अच्छा नहीं बन पाएगा। फ्रेंड्स, हमें इसको बराबर चलाते रहना है, इस पॉइंट पे आके आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, नहीं तो आपके फिर अच्छा हलवा नहीं बन पाएगा। हलवा लगभग बन चुका है, इसे हम और अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं। इसका पानी हम पूरा सुखा लेंगे बढ़िया से। आप चाहें तो इसको इस पे भी खा सकते हैं लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सुखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हलवा एकदम अच्छे तरीके से भून करके तैयार हो गया। हमारी कढ़ाई भी पूरी एकदम देखिए साफ है और हम आपको एकदम ये करके दिखा भी रहे हैं। हलवा देखिए बहुत अच्छे से बन करके तैयार है फ्रेंड्स। इसमें आप थोड़ा सा घी लास्ट पे ऐड करिएगा, टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हलवा एकदम बन गया है। इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, हमने थोड़ा ही ऐड किया है। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा गर्मा गर्म हलवा बनके एकदम तैयार है। आप इसे खाएं और इसी विधि से आप ज़रूर ट्राई करें इसको, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।